पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यह दास्तां है एक ऐसे अभिनेता की जो दरअसल अभिनय से दूर रहना चाहता था और गायकी की दुनिया में अपना नाम कमाना चाहता था। नाम है इनका रघुवीर यादव। जन्म हुआ 25 जून सन 1957 में मध्य प्रदेश के जबलपुर इलाके में। रघुवीर यादव 3 भाई और 2 बहनें रहे। ये दूसरे नंबर के बच्चे रहे। इनका परिवार किसानी किया करता था। ये अक्सर भैंसे चराया करते थे, खेती किया करते थे और गांव के स्कूल में ही इनकी पढ़ाई लिखाई हुई। शुरू से ही इनका रुझान संगीत की तरफ था। ये संगीत सीखना भी चाहते थे, लेकिन इनके वालिद हमेशा सोचते, हम तो किसान हैं, हमें तो मेहनत करनी है, ये गाना बजाना कैसे हो सकता है। और पढ़ाई लिखाई पर भी इनके वालिद अच्छा खासा जोर दिया करते थे। ये भी सोचा गया कि इन्हें कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी, इसलिए इन्हें साइंस दिलवाई गई। इनका दिमाग तो संगीत की तरफ चल रहा था, तो साइंस में कहां से दौड़ता। जब हायर सेकेंडरी के रिजल्ट आने वाले थे तब इन्हें यकीन था कि ये फेल हो जाएंगे। और तब रघुवीर यादव एक ऐसे लड़के के संपर्क में आए जो अक्सर अपना घर छोड़कर भाग जाया करता था। उस लड़के से इन्होंने कहा कि देखो, मैं तो फेल हो जाऊंगा, मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। तब उस लड़के ने कहा, चलो भाग चलते हैं। और इस तरह से रघुवीर यादव एक छोटा सा बक्सा लिए उस लड़के के साथ निकल गए और पहुंच गए ललितपुर। वहां पर वो लड़का इन्हें ले गया अपने फूफा जी के यहाँ। और कुछ दिनों के बाद वो नौजवान वहां से भी गायब हो गया। और उस लड़के के फूफा ने कहा कि रघुवीर, तुम यहाँ क्या करोगे, तुम्हारा दोस्त तो यहाँ से फिर भाग गया, तुम तो यहाँ नहीं रह सकते। ये कहानी अपने आप में बड़ी आश्चर्यजनक है। इन्होंने ललितपुर में नाटक देखा और उस नाटक कंपनी के मालिक के पास ये पहुंच गए और कहने लगे कि कोई ठिकाना नहीं है रहने का, लेकिन अगर आप मुझे अपनी कंपनी में भर्ती कर लें तो मैं काम कर सकूंगा। तो उन्होंने कहा, क्या काम करोगे। कहते जी, मैं गाना गाता हूँ। तो इन्होंने गाना सुनाया। गाना सुनकर नाटक कंपनी के मालिक खास मुतासर हुए और इन्हें 2.5 रुपये महीने पर रख लिया गया। ये 60 के दहाई की शुरुआत की बात है। और नाटकों के दौरान अक्सर जब सीन्स बदला करते थे तो उस बीच आकर रघुवीर यादव गाने गाया करते। वहीं पर इन्होंने उर्दू लिखनी पढ़नी सीखी और इनका तलफ्फुज भी बहुत साफ हुआ। तकरीबन 6 बरस ये उस पारसी थिएटर कंपनी के साथ काम करते रहे। उस पारसी थिएटर कंपनी में काम करते करते ये पहुंच गए लखनऊ। और लखनऊ पहुंचकर इन्होंने मन बना लिया कि अब मैं NSD ज्वाइन करूंगा। और वहां पर अपने जमाने के महागुरु अब्राहम अलकाजी साहब के साथ इनका संपर्क हुआ। इन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की रेपर्टरी में भी काम किया। एक वो वक्त भी था जब रघुवीर यादव को अब्राहम अलकाजी साहब ने FTII भेजा था कुछ फिल्म की ट्रेनिंग के लिए, ताकि कैमरे के सामने किस तरह से अभिनय किया जाता है ये भी ये समझ सकें। और उस जमाने के मशहूर मारूफ राइटर डायरेक्टर सईद अख्तर मिर्जा ने रघुवीर यादव को ब्रेक देने की बात कही थी। कहा था कि तुम मुंबई आ जाओ, तुम्हारे रहने खाने का इंतजाम हम कर लेंगे और हमारी फिल्म में काम करो। लेकिन उस वक्त तक रघुवीर यादव के सर पर सिर्फ और सिर्फ रंगमंच का जुनून सवार था। ये फिल्मों से दूर रहना चाहते थे और तब कुछ ऐसा हुआ जिसकी ये उम्मीद नहीं कर रहे थे। NSD रेपर्टरी के दिनों में ही इन्हें मैसी साहेब नाम की एक फिल्म का ऑफर दिया गया। फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद रघुवीर यादव मना न कर सके और मैसी साहब के लिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजा गया। इनका अभिनय सभी ने सराहा और खासी मकबूलियत इन्हें हासिल हुई। फिर धीरे धीरे इन्हें मुंबई की तरफ रुख करना ही पड़ा। इन्होंने टेलीविजन प्रोग्राम्स में भी काम किया, चाहे वो मुल्ला नसरुद्दीन रहा के चाचा चौधरी या फिर मुंगेरी लाल के हसीन सपने। इन्होंने कई फिल्मों के लिए गाने कंपोज भी किए और गाने गाए भी, लेकिन अधिकतर ये अपने अभिनय के लिए ही ज्यादा मशहूर हुए। कुछ टेलीविजन कमर्शियल्स के लिए भी इन्होंने गाने गाए, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनके अभिनय की तूती बोल रही थी। रघुवीर यादव बहुत गिने चुने अभिनेताओं में से हैं जिन्होंने कमर्शियल सिनेमा में भी कमाल किया और आर्ट सिनेमा में भी। इन्होंने मध्य प्रदेश टूरिज्म के लिए गाना गाया था, MP अजब है सबसे गजब है। नाटकों के लिए भी इन्होंने संगीत दिया। एक वो वक्त भी आया जब रघुवीर यादव का निजी जीवन सुर्खियों में रहा। इनकी पहली बीवी पूर्णिमा के साथ इनके संबंध जरा तल्ख हुए। इन्हें कोर्ट से ऑर्डर भी मिला और इनका बेटा अचल, जो इनसे सही तरीके से बात किया करता था, वक्त के साथ धीरे धीरे बदल गया। इनका निजी जीवन बहुत उछाला गया, पर सादगी पसंद रघुवीर यादव अपने अभिनय के लिए ही ज्यादा मशहूर माने गए। यकीनन भारतीय रंगमंच की बात करें या फिर टेलीविजन की या फिर सिल्वर स्क्रीन की, रघुवीर यादव ने हर जगह पर अपने अभिनय का लोहा मनवाया।
भारतीय कला के इतिहास में इनका नाम सदैव गर्व से लिया जाएगा। महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।